क्या तकदीर है मेरी, बबीता जी कितने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बना के लेके आए, लेकिन उनको भी उपमा ही बनाना था। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या गुड मॉर्निंग, किसने बनाया ये शब्द? आप लेखक के, आपको पता होना चाहिए, मुझे क्या पूछ रहे हैं? पता तो नहीं है जेठालाल मुझे, लेकिन पता जरूर करूंगा कि किसने इन दो शब्दों को मिलाया, गुड मॉर्निंग। और जिसने मिलाया ना, उसके खिलाफ ऐसा लिखूंगा कि पूछो मत। क्या हुआ मेहता साहब, सुबह सुबह आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? नाश्ता। नाश्ता? क्या हुआ नाश्ते का? अरे हुआ का, पता है क्या बनाया उसने? क्या क्या बनाया? करेले का सलाद। करेले का सलाद कोई खिलाता? अरे कोई उपमा उपमा खिलाया। मेहता साहब मेहरबानी करके उपमा का नाम मत लीजिए। क्यों? अरे अभी उपमा को लेकर ही घर पर रामायण हो गई। अरे उपमा तो इतना बढ़िया नाश्ता है जेठा। मैं मानता हूँ उपमा बढ़िया नाश्ता है, लेकिन दया ने कल भी उपमा बनाया था, आज फिर से उपमा बनाया। अभी रोज रोज इंसान एक ही चीज कैसे खा सकता है? बोलो, दो दिन लगातार उपमा खाने से तुम इतने परेशान हो गए? कुछ गरीब का सोचो जिसे 365 दिन के घास फूस करेले ककड़ी खाना पड़ता है। करेले का सलाद यार कोई खिलाता है नाश्ते में? कई बार तो मुझे लगता है कि मैं वो पिंजरे में कैद चूहे होते हैं ना प्रयोगशाला में, वो हूँ जिसपे वैज्ञानिक आगे प्रयोग करते हैं। मुझ चूहे पे ये मैडम जी प्रयोग करती है, पता नहीं क्या क्या खिलाती है भाई। और आज शाम को मुझे क्या खिलाना है उसके लिए सुबह से इंटरनेट पर रेसिपी खंगाल रही है। पता है क्या खिलाने वाली है मुझे? क्या? वाष्पित कद्दू की पेटीज। कद्दू की पेटीज? वो भी शापित? शापित नहीं भाई, वाष्पित। शापित तो मैं हूँ, वाष्पित। वापसित मतलब? अरे वापसित नहीं जेठालाल, वाष्पित मतलब वो स्टीम, जैसे स्टीम इडली होती है ना, स्टीम कद्दू। तो फिर क्या बोला इंटरनेट दादा ने? अरे इंटरनेट दादा कुछ बोले उसके पहले मैं बाहर आ गया, लेकिन पक्का बोला होगा बाद में, हाथ जोड़ दिए होंगे कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने, बहन जी मुझे और अपने पति दोनों को माफ करो। मतलब कुल मिला के आपने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने भी नहीं किया। चलो कुछ बढ़िया से तड़कता फड़कता नाश्ता करते हैं। यार मुझे लेट हो रहा है जेठालाल। सच में लेट हो रहा है या अंजलि भाभी से डर रहे हैं? अरे डरता कौन है, चलो। हाँ तो चलो। हाँ चलो देखी जाएगी। भजिया समोसा मजा आएगा आपको? मजा आ गया। मैं क्या कहता हूँ पहले भजिया से शुरुआत करते हैं। अरे शुरुआत करने का क्या मतलब जेठालाल, शाम तक यही थोड़ी बैठना है भाई। मेहता साहब यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, तड़कते फड़कते आइटम है, तो सबको थोड़ा थोड़ा न्याय तो देना पड़ेगा ना। ठीक है तो भजिया को न्याय देते हैं। दो दो, दो अरे भाई साहब बोलिए सर, क्या चाहिए आप लोगों को? दो प्लेट भजिया लेके आओ। भजिया तो नहीं है साहब। अरे क्या झूठ बोल रहे हो, अभी तो दिया भजिया उधर, वो लास्ट प्लेट थी साहब। चलो कोई बात नहीं, दो प्लेट समोसे ले आओ, बढ़िया। हाँ चल, समोसे की भी लास्ट प्लेट थी। अरे भजिया भी नहीं है, समोसा भी नहीं है, तो क्या है क्या तुम्हारे पास? मिसल, पोहा। पोहा मिसल एक एक प्लेट लेके आओ। ले आओ ले आओ, फटाफट ले आओ दोनों। बारिश में मिसल खाने का मजा आएगा। अरे पोहा, अरे पोहा में जरा नींबू नींबू मार के लाना। हाँ हाँ बढ़िया। सॉरी सर, मिसल पोहा दोनों खत्म हो गए। अरे अरे हद कर दो तुम, मिसल खत्म पोहा खत्म, पहले कहते हो समोसा लास्ट प्लेट है, भजिया लास्ट प्लेट है, तो रेस्टोरेंट खोला क्यों है? आखिर है क्या तुम्हारे पास? सर उपमा है। चलो मेहता साहब। नहीं जेठा आ ही लेते ना उपमा ही, और क्या यार। नहीं मेहता साहब प्लीज। जेठा लगा और कुछ अवेलेबल ही नहीं है तो उपमा खा लेते ना भाई। मेहता साहब आज तो मैं उपमा नहीं ही खाऊंगा। चलो जेठा क्यों जिद कर रहे हो, खा लेते ना उपमा। ना मुझे नहीं खाना उपमा, जाओ भाई जाओ, नहीं चाहिए। चलो चलो यहाँ से चलो। अरे पर क्या, चलो जेठालाल उपमा खा लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अंजलि भाभी कहाँ? नहीं ये मजाक कर रहा था, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चलो जेठालाल, अरे मुझे तो खा लेते तो उपमा यार। हाँ तो ठीक है आप बैठो, आप खा लो, मैं निकलता हूँ। और मैं अकेला यहाँ बैठ के उपमा खाऊंगा, कैसी बातें करते हो जेठालाल, अकेला खा सकता हूँ क्या? चलो अंजलि वंजलि का मजाक मत किया करो जेठालाल। अरे जेठालाल मुझे तो खाने दिया होता ना, मुझे क्यों लेके आ गए? नहीं भाई, अरे उपमा में क्या खाना है आपको? अरे पर भूख लग रही है। अरे बैठो यार शांति से। अरे भूखा आदमी कैसे शांति से बैठे भाई। हाय हेलो एंड वेलकम, भूल जाओ सारे गम क्योंकि चल रहा है आपका फेवरेट शो, खाना खाओ मस्त हो जाओ। ले बोलो यहाँ जोरदार भूख लगी है और रेडियो पे प्रोग्राम भी खाना खाने का आ रहा है। पूछो मत। तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुनील पटनी,
आज हम सीखेंगे एक नई रेसिपी डाइट उपमा। ये उपमा तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है मेहता साहब। हमारे इंडिया में 12 तरह के उपमा बनते हैं। बंद करो भाई रेडियो, बंद करो। बंद नहीं होता सर। क्यों सर? इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गए हैं। क्या प्रॉब्लम है सर? गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो अपने आप चालू हो जाता है और गाड़ी बंद करने पे ही बंद हो जाता है। अरे तो गाड़ी बंद करो। छोड़ो ना जेठा, थोड़ी देर की बात है, छोड़ो ना। नहीं 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 मेहता साहब, मैं अभी और सहन नहीं कर सकता। उपमा एक काम करो भाई, गाड़ी साइड पे रोको, गाड़ी साइड पे रोको। रोको भाई रोको, एक सेकंड रोको। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं बिना रेडियो वाली रिक्शा या टैक्सी में जाऊंगा, मैं इसमें नहीं जा सकता। अरे क्या बचपना कर रहे हो? ना ना आप निकलो, आप निकलो, बहुत हो गया। ये उपमा ने तो यार परेशान कर। जेठालाल सुनो तो। निकलो निकलो निकलो। निट्टू काका, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। अच्छा क्या लाया है? एकदम मस्त चीज है। क्या? ये चीज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा आविष्कार है। इसने इंसान की लाइफ एकदम चेंज कर दी है। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है? स्पिनर। तो काका इसे ऐसे घुमाने से ध्यान से शांति से देखते रहना चाहिए। इससे दिमाग का फोकस एकदम बढ़ता है और कंसंट्रेशन भी एकदम पावरफुल होता है। बार बार मोबाइल देखने की आदत से भी छुटकारा मिल जाता है। क्या बात है बागा? देखो तो। देखिए चलो चलो नट्टू काका, बागा वॉशिंग मशीन फ्रिज जो भी जितना सामान है सब इकट्ठा करो, गरीबों में बांट देते हैं और हम सब गांव चले जाते हैं। क्यों सर जी? क्यों क्या? दुकान बंद हो रही है ना। क्या दुकान बंद हो रही है? हाँ लेकिन क्यों? क्यों क्या? जिस तरह आजकल मेरी गैरहाजिरी में आप लोग मगन के भरोसे दुकान छोड़ के या गोडाउन में टाइम पास करने आ जाते हो, तो आज नहीं तो कल दुकान तो बंद होनी ही है। नहीं सेठ जी, हम लोग कभी टाइम पास करने गोडाउन में नहीं आते। अरे हाँ वो तो तुम लोग दुकान में ही करते हो। नहीं सेठ जी प्लीज बिहेव योरसेल्फ। क्या? नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये है सेठ जी कि आज सुबह सुबह जनाब का मिजाज उखड़ा उखड़ा क्या है? नाश्ता, सुबह से नाश्ता नसीब नहीं हुआ नटू काका। क्यों सेठानी जी कहीं गए हैं? अरे नहीं भाई घर पे ही है। तो फिर छोड़ने भाई वो सब पंचा, तू एक काम कर मेरे लिए गर्मा गर्म तड़कता फड़कता कुछ नाश्ता मंगा भाई। जी सेठ जी। हाँ और नटू काका आप मुझे बिल की फाइल दीजिए। आप बैठिए मैं देता हूँ। ये लीजिए, ये देखिए पहले ही बिल में आपकी गड़बड़ पकड़ी गई। क्या हुआ सेठ जी? नटू काका जीएसटी आ गया है तो बिल में हमारा और पार्टी का दोनों का जीएसटी नंबर होना चाहिए कि नहीं? तो हमारा नंबर तो है, पार्टी का जीएसटी नंबर कहाँ है? अच्छा सॉरी सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी, ध्यान कहाँ रहता है आपका? सॉरी सॉरी सेठ जी, मैं सब बिल एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। क्या है सेठ जी, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। गुस्सा करने से दिमाग पे प्रेशर बढ़ता है और दिमाग की नस फट जाती है। हाँ नटू काका, आज सुबह दूध फटा तो पूरे 52 रुपए का नुकसान हो गया। तो सोचिए अगर इंसान के दिमाग की नस फटे तो कितने रुपए का नुकसान होगा? उसमें तो बहुत नुकसान होता है बागा, मगज का ऑपरेशन करना पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ सेठ जी गुस्सा मत कीजिए, टेक ए चिल पिल। हम सिर्फ आपकी दुकान में काम करने वाले कर्मचारी नहीं है। तो क्या है पार्टनर? सेठ जी हम आपके पार्टनर नहीं, आपके हमदर्द है। हाँ आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप एक काम कीजिए, आप गहरी सांस लीजिए ऐसे, और गहरी, थोड़ी सी और गहरी, बस और गहरी। ए, क्या गहरी गहरी कर रहे भाई, यहाँ सांस का कुआं खोदना है? अच्छा कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। लेकिन नट्टू काका सेठ जी अभी बोले तो उनकी सांस छूट गई। अब फिर से सांस छोड़ने के लिए उन्हें पहले गहरी सांस लेनी पड़ेगी। यस यस बागा,
यू हैव ए पॉइंट। चलिए सेठ जी, फिर से गहरी सांस लीजिए, लीजिए। अब धीरे धीरे सांस छोड़िए। नमस्ते। छोड़िए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। और बताइए ये यहाँ क्यों आए हैं? मैं बताऊं। प्लीज 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 मुझे बताने दीजिए ना, मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अच्छा तो बताइए। मैं आप सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूँ। नाश्ता? मैं जो नाश्ता लेकर आई हूँ वो कानपुर का स्पेशल नाश्ता है, सब बड़े चाव से खाते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ला ला बाबरी, जल्दी डिब्बा खोल, जल्दी नाश्ता दे, बहुत भूख लगी है। हाँ, एक मिनट ना। लाइए बाबरी जी, मैं खोल देता हूँ, लाइए। लेकिन खुल क्यों नहीं रहा है? बाबरी जी, क्या हुआ होगा? आपने गरम गरम नाश्ता बनाकर सीधा इस डिब्बे में भर दिया होगा और फिर ढक्कन तुरंत बंद कर दिया होगा। इस वजह से उस गरम नाश्ते की जो भाप अंदर हुई होगी, उस वजह से इस डिब्बे का ढक्कन एकदम जाम हो गया है, अभी खुल जाएगा। ए भापेश्वर, बाद में भपाना, अभी तो डिब्बा खोलना जल्दी भाई। जी सेठ जी। बावरी जी, खुशबू तो एकदम बढ़िया आ रही है, लगता है आपने बहुत प्यार से नाश्ता बनाया है। ये भाई तो बातें मत कर भाई, डिब्बा खोल जल्दी। जी जी सेठ जी। सेठ जी, आपको पता है? हाँ। क्या पता है? जो भी आप बोलने वाले हो पता है मुझे। नहीं नहीं सेठ जी, आप मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है। किसी भी स्वादिष्ट व्यंजन का ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाने के लिए उसे तीन प्रकार से खाया जाता है, आंख, नाक और मुंह। सबसे पहले खाने को आंखों से खाइए, मतलब खाने को आंखों से अच्छी तरह देखिए। उसके बाद खाने को नाक से खाइए, मतलब अच्छे से उसकी खुशबू लीजिए। हाँ, और फिर अगर मुंह में दांत बचे हैं तो मुंह से खाना खाइए। अभी वो बाघा को चुप कराया तो आप चालू हो गए। अरे शांति रखो ना भाई, खुला कि नहीं तेरा डिब्बा? खुल गया सेठ जी। अरे वाह वाह वाह, पावरी जी देखिए तो सही, बड़े बड़े काजू, मोटे मोटे मटर और ये कड़ी पत्ता, तो वाह मजा आ जाएगा। ऊपर से जीरे का तड़का भी मारा है, वो नहीं दिखा? अरे हाँ, ये देखो तो, कोने कोने में छिपे हैं ये जीरे। हे जीरे, जीरे, अरे लाने भाई, जा भूख। क्या है ये? मैं बताऊं? अरे मैं बताऊं क्या? तुझे ही पूछ रहा हूँ। ये उपमा है। ए भगवान। अरे लेकिन तूने तो बोला ना कि कानपुर का स्पेशल नाश्ता लाइए। ये उपमा कानपुर का स्पेशल नाश्ता कब से हो गया? कानपुर में मेरे घर वाले नाश्ते में उपमा बहुत खाते हैं, तो हुआ ना कानपुर का स्पेशल नाश्ता। सेठ जी, आपको गुस्सा आ रहा है ना? एकदम गहरी सांस लीजिए। अरे नहीं लेनी कोई गहरी सांस, आप लो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पप्पू तो यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। तो अचानक तो यहाँ क्यों आ गया? पापा, मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या? ये क्या है? ये इसमें है गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना।
पापा आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए मम्मी ने स्पेशली आपके लिए खाना भेजा है। दाल ढोकड़ी है, सेव टमाटर साग, खिचड़ी पापड़, बूंदी का रायता, खिचड़ी, चावल, रोटी और स्पेशली आपका फेवरेट दूधी का हलवा। वाह वाह दया, वाह तो सच में साक्षात अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। चलो चलो भाई, किसकी राह देख रहे हैं, बहुत भूख लगी है, चलो खाओ सब, चलो चलो खाओ नटू काका, चलो चम्मच। सबने खाया ना बराबर? वाह मजा आ गया। बापूजी कभी कभी सच ही कहते हैं, धीरज ना फल मीठा। चलो अभी दोस्तों सबने अच्छे से खाना खा लिया, तो अभी कुछ काम धंधा करे हैं? जाइए नटू काका बगा दुकान में जाइए, हाँ काम पे लगिए। और बाउरी बेटा तू भी निकल, हाँ अभी बेटा अभी क्या बागा को काम है, हैं? तो दुकान बंद होने के बाद मिलेगा तुझे, हैं? चलो ओके बाय। मजा आ गया, कहना पड़ेगा दया ने सब सर्वर कर दिया, इतनी मेहनत से इतना सारा खाना उसने मेरे लिए भेजा, तो एक थैंक यू तो बनता है। मुझे पता था आपका फोन आएगा ही। अभी के लिए सिर्फ फोन किया है, फिर घर आके तुझे गोदी में उठाने वाला हूँ, तैयार रहना। क्या पीटोगे बाबा? वैसे सॉरी, हम सुबह उपमा के लिए। अरे दया प्लीज, अभी उपमा का नाम मत ले, और उपमा अभी नहीं सुनना है। मैंने दरअसल तुझे कुछ और कहने के लिए फोन किया है। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा क्या? वही। क्या वही? अरे बाबा वही, जब आप बहुत खुश होते हैं ना तब कहते हैं। चल अभी तुझे पता चल ही गया है, तो मैं वो तीन शब्द कह ही देता हूँ। थैंक यू दया। थैंक यू दया। थैंक यू दया कहने के लिए फोन किया था? अरे क्या है, आप जब खुश होते हैं तब ये तीन शब्द थोड़ी ना कहते हैं। तो क्या बोलता हूँ? चलिए जाने दीजिए। I love you. thank you, टमकी पापा, thank you. Mention not. सच में दया तेरा जवाब नहीं है। सुबह वो उपमा की वजह से मेरा बिगड़ा हुआ मूड तो नहीं है, धमाकेदार खाना खिला के यूं ठीक कर दिया। Thank you दया, सच में दिल से thank you. Mention not. चलिए अभी फोन रखो। चल भाई। मैंने तीन शब्द बोला तो अभी तू तीन शब्द नहीं बोलेगी? हाँ। अब ध्यान से सुनिएगा। हाँ घर आइए जल्दी। ए दया, ये चीटिंग है, चीटिंग है, ये नहीं चलेगा। सॉरी सॉरी। क्या है टप्पू के पापा कि ऐसे फोन पर कहने से मजा नहीं आएगा, आप घर पर आइए फिर आपने सामने शांति से मस्ती से मैं कहूंगी आई लव यू। ठीक है? ठीक है तो फोन रखो। ओके बाय। चलो बाय। पगले नहीं बोलू बोल के आई लव यू बोलता दिया। क्या है भाई? बागा भाई ने नाश्ते का ऑर्डर दिया था, ट्रैफिक था इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया, मैंने अभी खाना खा लिया। वैसे क्या लाया? क्या है? उपमा? नहीं नहीं उपमा नहीं। हाँ तो ठीक, टमाटो उपमा। भाई वाह, रूठे पति को मनाने का तरीका कोई दया भाभी से सीखे। भाई पति के दिल तक का रास्ता पेट से होके जाता है, ये दया भाभी ने कई बार साबित किया, फिर से साबित कर दिया। तो जेठालाल को तो अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद मिल गया, पर मेरा क्या? मैं भी तो घर से बिना नाश्ते के निकला था ना, क्या मुझे मिलेगा अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद? क्या अंजलि देगी फिर वही सलाद, करेले का सलाद? भाई मैं तो हर पत्नी को कहता हूँ, पति को प्रेम से खिलाओ, दिल से खिलाओ,
लेकिन क्या ये बात मैं अंजलि को कह पाऊंगा? पता नहीं क्या होगा मेरा और क्या होगा यहाँ पे, लेकिन जो भी होगा असमंजस की स्थिति है, लेकिन हर सवाल का जवाब आपको तो हंसी के साथ ही मिलता है ना, तो आप तो मस्त रहिए, मजा उठाइए, खुश रहिए, अच्छा खाइए और खूब हंसिए, बस हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.